मुझसे बातचीत करने के लिए लगा है। उमेश शर्मा जी को मुख्यमंत्री ने मुझसे उमेश शर्मा जी का फोन आया कि मुख्यमंत्री आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा मुख्यमंत्री से क्यों मेरी बात करा रहे हो, ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो फोन कॉन्फ्रेंसिंग पे दूसरी तरफ लाइन पे। फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं हरीश रावत बोल रहा हूँ। फिर मैंने उनसे कहा कि फिर मैंने अपनी गिलवे सिक्वेर जो नाराजगी थी उन सारी बातें उनको सामने रखी। तो उन्होंने मुख्यमंत्री ने कहा कि ठीक है, मैं बातचीत बाकी उमेश से कर लूँगा। तो मुझे ये भी नहीं पता उसके बाद कि उमेश को उन्होंने कब देहरादून बुलाया या दिल्ली बातचीत करी, लेकिन जो मुझे जानकारी है कि ये जो राशि बताई जा रही है, सुनो, हट हट, सर तोड़ जाएंगे क्या, सर तोड़ जाएंगे इस सीटी को लेकर, कोर्ट जाएंगे, तोड़ जाएंगे सर। देखिए हमने महामहिम राज्यपाल को, अलग महामहिम राज्यपाल को राष्ट्रपति को ये चीजें भेजी। मुख्यमंत्री जी ने ही जिनको मुझसे बात करने के लिए लगाया, ये सारा उन्होंने ये इस बात को किया है। देखिए जिम्मेदारी को लेकर ये मुख्यमंत्री ने खुद ही कहा था कि हम आपको जिम्मेदारी देंगे, ये कोई नाराजी नहीं, मैं तो आराम से काम कर रहा था। सर कब की गई थी रिकॉर्डिंग? सर ये रिकॉर्डिंग कब की गई है? सर ये रिकॉर्डिंग कब की गई है? जी ये 22 तारीख को। हरक जी, हरक जी, हरक जी, नहीं देखिए 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 क्योंकि देखिए अब देखिए जब मुख्यमंत्री का खुद फोन आया तो मुख्यमंत्री का जब मुझे खुद जो उधर उमेश शर्मा जी ने मुझसे कहा कि मुख्यमंत्री दूसरी तरफ लाइन पे वो बात करना चाहते हैं, एकदम कैसे इग्नोर कर देता आदमी। हालांकि मैंने उमेश शर्मा को पहले जब उनसे कहा मुख्यमंत्री बात करना चाहते हैं तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत को 28 मार्च को बहुमत साबित करना है उत्तराखंड में। उनके ऊपर ये संकट इसलिए गहराया क्योंकि कांग्रेस के 9 ऐसे विधायक हैं जो बागी हो गए हैं और उन पर आरोप लगा कि उन्होंने बीजेपी के 27 विधायकों के साथ राज्यपाल के पॉल से मुलाकात की, राजभवन मिलने पहुंचे थे बाकायदा, जिसके बाद उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने रविवार को कांग्रेस के 9 विधायकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। अब इस कड़ी में ये सामने आ रहा है क्योंकि हरीश थोड़ी होगी, क्या आपकी तरफ से भी जो जिनका नाम आप बता रहे हैं उनको मुख्यमंत्री से बात करने के लिए कहा गया? नहीं, मेरी तरफ से कोई मेरे फोन का अगर मेरी तरफ से, अच्छा रावत जी पहला वाला कमिटमेंट क्या था? मेरी तरफ से कोई बात नहीं की गई। रावत जी मुख्यमंत्री ने ही उनको जिम्मेदारी दी कि आप हरक सिंह से बातचीत करो, उन्होंने ये स्टिंग कर लिया मुख्यमंत्री का और आपको। रावत जी पहले वाला कमिटमेंट क्या था जो पूरा नहीं हो पाया उस में? पहले वाला कमिटमेंट देखिए विवाद को लेकर बात हुई थी कि विवाह को लेकर बातचीत हुई थी जिसमें इंद्रदेश को औद्योगिक विकास दे दिया गया तो मुझे नहीं दिया गया, तो शायद उमेश शर्मा जी उसी बात को दोहरा रहे कि भाई हरक सिंह जी के साथ पहले की बात पूरी नहीं हुई। सौदेबाजी पहले भी हुई थी उसमें? नहीं, सौदेबाजी नहीं, देखिए वो तो पहले तो विभागों के बात सामान्य रूप से मुख्यमंत्री से होती है कि भाई कौन से मुख्यमंत्री चर्चा ही करते हैं कि भाई आपको ये जिम्मेदारी देता हूँ, ये जिम्मेदारी देता हूँ। तो शायद उन्होंने ये कहा कि आप बातचीत करने के बाद मुकर जाते हो। लेकिन सर एक पत्रकार से ये सब बातें करने का क्या मतलब? अब ये तो मुख्यमंत्री से आप पूछो, बातचीत आपकी भी हो रही थी ना? नहीं देखिए बाप, मैं आपको पहचानता हूँ, आप मुझको टेलीफोन करेंगे, अचानक उधर से मुख्यमंत्री से आप मेरी बात करा देंगे तो मैं क्या उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो मुख्यमंत्री को देखना चाहिए था कि आपको जिम्मेदारी दे, किसको जिम्मेदारी दे, और वही पत्रकार आपको लाके स्टिंग भी दे देता है कि आप चला लीजिए। अब ये तो देखिए बिल्कुल, जब कोई चीज जब अगर हमारे हमको मिलेगी तो हमें बड़ा कष्ट हुआ कि मुख्यमंत्री इतने बड़े जिम्मेदार पद पे होने के बाद इस तरह की बातें कर रहे हैं। सर मुख्यमंत्री जी से क्या बात हुई आपकी? बात कर रहे थे क्या बात आपने दिखाया? क्या बात मुख्यमंत्री से? तो नॉर्मल बातचीत हुई, जो मेरी फोन से बात हुई है, जो उमेश शर्मा जी ने फोन कॉन्फ्रेंस पे लेकर जो बातचीत कराई वो तो एक नॉर्मल बात हुई। मैंने उनसे गिलवे सिक्वे रखे, मैंने कहा देखिए बहुत हो गया था, मैंने आपको कई बार कहा बातचीत करते हुए कैबिनेट में कहा कि भाई आप ये जो तरीका है आपका काम करने का, जिस तरह शराब माफिया, भू माफिया, खनन माफिया हावी है, हम आपसे कोई विधायक मंत्री बात करने के लिए आता है तो आपके सारे वो जो माफिया तंत्र है वो बिल्कुल खड़े रहते हैं, आपसे बात ही नहीं करने देते हैं। वो सारे देखिए आप देखिए जो जिस तरह उसमें खरीद मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पे रहने वाले व्यक्ति इस तरह पैसे का प्रलोभन, पद का प्रलोभन देकर विधायकों को खरीद फरोख करने की बात हो रही है, ये बहुत कष्टप्रद है। आप क्या सवाल करें, क्या आपको जानकारी थी कि इस तरह की सीडी बन रही है? नहीं मुझे नहीं मालूम, राष्ट्रपति से मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। मैं तो सोचा कि मुख्यमंत्री, क्योंकि आप देखिए अगर मुख्यमंत्री ने किसी को जिम्मेदारी दी तो मैं थोड़ी सोच सकता हूँ कि इस तरह की स्ट्रिंग हो रहा हो। सर अब किससे? लेकिन जब मुझको स्ट्रिंग मिला तब मुझे लगा कष्ट हुआ मेरी आत्मा को, मुझे लगा कि मुझे पूरे देश के सामने
इसको शेयर करना चाहिए कि हो क्या रहा है इस देश के अंदर। जी किससे मिलेंगे आप, किससे मिलेंगे सर? सर किससे मिलने जा रहे हैं सर? सर शाम को 5 बजे तक आप लोग जवाब देंगे तो मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक स्टिंग जारी किया जाता है कांग्रेस के ही बागी विधायक हरक सिंह रावत की तरफ से। और हरक सिंह रावत ये दावा कर रहे हैं कि 15-15 करोड़ रुपए देकर विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई हरीश रावत की तरफ से। आपको बता दें कि हरीश रावत के ऊपर संकट इसलिए गहराया हुआ है क्योंकि उन्हें 28 मार्च तक उत्तराखंड में बहुमत साबित करना है। और हरक सिंह रावत ने यह कहा है कि 23 मार्च को फोन पर बात हुई थी मेरी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ, उमेश शर्मा नाम के शख्स के फोन पर दोनों की बात हुई। उमेश शर्मा ने कॉन्फ्रेंस पर लेकर दोनों की बात कराई, यानी हरक सिंह रावत और हरीश रावत दोनों की बात हुई। उमेश शर्मा नाम के शख्स के फोन पर पैसे पद का प्रलोभन दिए जाने की बात की गई थी हरक सिंह रावत से भी। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत आज 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और जाहिर सी बात है जो उनका स्टिंग ऑपरेशन जारी किया गया है उस पर वो शायद सफाई दें। हालांकि इसकी पुष्टि अभी एबीपी न्यूज नहीं करता, ये दावा है हरक सिंह रावत की तरफ से। उत्तराखंड में क्या हुआ है ये आपको बता दें, मुख्यमंत्री हरीश रावत को परसों यानी 28 मार्च को बहुमत साबित करना है क्योंकि 9 विधायकों की बगावत से कांग्रेस की सरकार अब खतरे में आ गई है। हरक सिंह रावत के नेतृत्व में 9 विधायक बागी हुए हैं, वही हरक सिंह रावत जिन्होंने अभी ये स्टिंग जारी किया है। कांग्रेस के विधायक अभी जिम कॉर्बेट में हैं और बीजेपी के विधायक कल पुष्कर गए थे। तो उत्तराखंड में इस वक्त समीकरण बदले हुए हैं, जहां कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में थी वो खतरे में आ गई क्योंकि कांग्रेस के 9 विधायक बागी हो गए हैं और बीजेपी के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया है।